आप लोग हमको एक बात बताओ, एकदम सच्ची बताना, बिल्कुल सच्ची, जैसे हमारा शेर बोलता है हमेशा एकदम सच। का करवाने आया हमारा शेर, परीक्षा या परीक्षा पे चर्चा? नहीं सही बताओ, परीक्षा करवाने आया या परीक्षा पे चर्चा करवाने आया है? परीक्षा रद्द करवा दिया मोदी, परीक्षा रद्द करवा दिया। देखो मोदी पे एक भी परीक्षा नहीं करवाया जा रहा, एक भी एग्जाम नहीं करवाया जा रहा। नीट के बाद अब यूजीसी नेट को रद्द करवा दिया। देखो कितने बच्चा लोग का, कितना स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर दिया। देखो मोदी फिर से बच्चा लोग का भविष्य बर्बाद कर दिया। भाई साहब आग लग जाते हैं ये सब बकवास सुन के। हमरा से परीक्षा पे चर्चा करने आया है, परीक्षा करवाने नहीं आया। परीक्षा पे चर्चा करवा लो, परीक्षा भी हमरे शेर से ही करवाएंगे, परीक्षा पे चर्चा भी हमरे शेर से ही करवाएंगे। परीक्षा पे चर्चा तो भाई साहब आधी रात को करवा लो, रात के 12 बजे भी करवा लो परीक्षा पे चर्चा। हर साल भाई साहब परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा करवाएगा ये लोग। हमरे शेर का गलती है कोई? ये तो सब रद्द हो रहा है, नीट पीटी यूजीसी नेट पैटी यूपी पुलिस का भर्ती भर्ती सब जो हो रहा है। हमरा शेर कभी कोई मतलब हमने शेर का क्या गलती है इसमें? हमारा शेर तो भाई साहब कितना कोशिश कर रहा है इन सब बच्चा लोग के लिए कि सब बच्चा लोग जो एग्जाम पे एग्जाम देना जो छोड़ दे। इस वजह से तो इतना ये जो लीक भीक हो रहा है भाई साहब, इस वजह से तो कि बच्चा लोग जो एग्जाम पे एग्जाम देना छोड़ दे और अपना टन 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 अपना पूजा पाठ में ध्यान लगाए, अपना भजन कीर्तन में ध्यान लगाए, अपना धर्म कर्म में ध्यान लगाए, जैसा हमारा शेर लगाता है। देखने भाई साहब हमेशा हमारा शेर किसी ना किसी मंदिर में होता है, कहीं ना कहीं लेट रहा होता है, कहीं अपना आरती कर रहा होता है, कहीं टन 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 घंटा बजा रहा होता है, कहीं माथे पे पूरा चंदन लपेट कर चंदन टीका लपेट कर। भाई साहब हमेशा किसी ना किसी मंदिर में ही देखे होंगे, किसी पढ़ाई लिखाई वाले जगह पे नहीं देखे होंगे आज तक भी भाई साहब। ओ गलती से कल चला गया था हमारा शेर पढ़ाई लिखाई वाले जगह पे, जो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर बिहार में नालंदा का यूनिवर्सिटी का। हमको तो तभी लग गए थे भाई साहब कोई अनहोनी हो सकते हैं, जब हमारा शेर मंदिर की जगह जो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। भाई साहब नहीं पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, अपना जो काम करता है हमारा शेर उसके लिए पहुंच गया। देखो कैसा कैसा बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाया यूनिवर्सिटी में जाके। ये सब लिबरांडू लोग का था ना, वो शिकायत रहता था ना हमारे शेर को यूनिवर्सिटी में नहीं देखे, कॉलेज में नहीं देखे। अब देख लो बेटा यूनिवर्सिटी में देखो क्या कर रहा है हमारा शेर। पढ़ाई लिखाई करते तो अब भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अपना फेवरेट काम करते दिखाई दे रहा हूँ, फोटो खिंचवाता जो। पर भाई साहब हमको तभी डर लग गए थे जब हमारा शेर मंदिर की जगह अपना वो घंटा वो पूजा पाठ की जगह जो पढ़ाई लिखाई की जगह पे पहुंच गया था। तभी लग गए थे बेटा भगत बा कोई ना कोई अनहोनी होने वाले हैं देश में, और हो गए। यूजीसी नेट का पेपर जो लीक हो गए भाई साहब इस वजह से कभी भी हमारा शेर जो पढ़ाई लिखाई वाली जगह पे नहीं जाता। आप कभी भी देखे नहीं होंगे, और पढ़ाई लिखाई का जरूरत भी कहा है? आप हमारे शेर को नहीं देख रहे, हमारा शेर का किया है हमारा शेर कोई मतलब वो किया है वो हमारा शेर एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया है। तो वैसे भी तो डिग्री ले सकते हैं, ये पढ़ाई लिखाई करके ही थोड़ी मिलते हैं डिग्री, और काम धाम भी जो पढ़ाई लिखाई करके ही थोड़ी मिलता है। भाई साहब कैसा बढ़िया बढ़िया धंधा चलते हैं, कैसा बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनते हैं सब भाई साहब, कैसे महंगा महंगा गाड़ी में चलते हैं भाई साहब बिना वैसे पढ़ाई लिखाई के, कैसे महंगे महंगे एरोप्लेन में चलते हैं भाई साहब, कितना महंगा महंगा घर में रहते हैं बिना वैसे पढ़ाई लिखाई के ही, वैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस का या कोई वैसा डिग्री लेने से। इस वजह से बोलते हैं भाई साहब इतना पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है। इस वजह से भाई साहब इस वजह से ही तो लगता है हमको कि ये जो सब पेपर लीक हो रहा है ना, वो हमारे शेर के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का ही नतीजा है। भाई साहब दूरदर्शिता, भाई साहब हमारे शेर का, हमको अपने शेर का दूरदर्शिता लग रहा है ये जो इतना पेपर लीक हो रहा है ना। भाई देखो हम समझा रहे हैं आपको, देखो अगर पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा? तो पेपर हो जाएगा ठीक ढंग से, और पेपर हो गया तो क्या होगा? तो नौकरी लग जाएगा ये बच्चा लोग का, और बच्चा लोग का इस सब बेरोजगार का नौकरी लग गया तो क्या होगा? नहीं बताओ हमको नौकरी लगने से क्या होता है? नौकरी लगने से पैसा आता है, सैलरी आता है, और पैसा आने से क्या होता है? पैसा भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। तो भाई साहब दुश्मन ही हो जाएंगे पूरे पूरे समाज में फैमिली में। तो ये हमारे शेर के दूरदर्शिता का और कुशल नेतृत्व का लग रहा है भाई साहब हमको ये जो इतना पेपर लीक हो रहा है। समझे? पेपर लीक नहीं होगा ना तो भाई साहब नौकरी लग जाएगा सब बच्चा लोग का, और नौकरी लग जाएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। तो भाई साहब ये हमारे शेर के दूरदर्शिता का परिणाम है शायद ये जो पेपर लीक हो रहा है। हमारा शेर पेपर लीक करवा रहा है ना तो कुछ सोच के ही करवा रहा है भाई साहब, इसमें भी देश का कोई भलाई होंगे। और भाई साहब ये सब बच्चा लोग को अपना धर्म कर्म अपना पूजा पाठ के तरफ आकर्षित करने का भी
चाल हो सकते हैं हमरे शेर का, मास्टर स्ट्रोक, हमरे शेर का मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं भाई साहब। ये जो सब पेपर लीक हो रहा है सब, और वहां देखे भाई साहब यूपी पुलिस का, जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गए भाई साहब, गुजरात का कंपनी, हमरे शेर के गुजरात का कंपनी कहा नाम है कोई हुआ हूँ, एजू टेस्ट जो कंपनी कर वो पेपर करवा रहा था ना भाई साहब, पेपर लीक हो गए और अपना गुजराती कंपनी का जो मालिक हूँ फरार, विदेश अमेरिका भाग गए। ये होते हैं भाई साहब गुजरात मॉडल। यूपी में भी पूरा गुजरात मॉडल लागू कर दिया भाई साहब हमरा शेर, सब चीज का ठेका भाई साहब, बनारस अयोध्या सब जगह सब चीज का ठेका भाई साहब अपने गुजराती फ्रेंड लोग को दिलवा रहा है। और हमरे शेर का फ्रेंड जो गुजराती फ्रेंड जो पेपर लीक करके, यूपी पुलिस का पेपर लीक करके, ये है भाई साहब दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन और मास्टर स्ट्रोक। तो भाई साहब इसमें भी मुकेश का कोई भलाई होंगे, मुकेश का नहीं देश का, इसमें भी भाई साहब पेपर लीक में भी देश का कोई भलाई होंगे, जो हमको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, हमको बहुत बाद में समझ में आएंगे। और मोदी जी एक काम करो, ये जो सब यूजीसी पूजीसी है ना, नीट पीट जो यूपी, ये कौन कौन सा भर्ती करने वाला जो, इन सबको छापा मारने के काम पे लगा दो। काहे को ईडी सीबीआई जो ना वो कम पड़ रहा है, उनका फोर्स जो कम पड़ रहा है छापा मार, जितना छापा आप पड़वाना चाहते हो ना उतना छापा पड़ नहीं रहा है, फोर्स का कमी है। तो ईयूजीसी पूजीसी यूपीएससी बूपीएससी नीट पीट इन सबको छापा मारने के काम पे लगा दो। एग्जाम पे एग्जाम तो इनसे करवाया नहीं जा रहा, एग्जाम पे एग्जाम तो सब लीक हो रहा है, तो आप अपने पसंदीदा काम पे लगा दो इनको, अपने फेवरेट काम पे लगवा दो। इनका जितना भी एम्प्लॉई है ना उन सबसे जो छापा पे छापा मरवाओ, कोई काम तो करेंगे ही, अब तो कोई काम ही नहीं कर रहे हूँ। करवा दो मोदी जी, लगा दो इन लोग को सबको छापा मारने। शकुंतला बुआ के फोन है, शकुंतला बुआ का ही फोन कर रहे हैं। हाँ बुआ का रो रहे हैं, तो शकुंतला बुआ तो का हो गए बुआ, काहे रो रहे हो, इतना गंदा गंदा काहे बोल रहे हो बुआ, कोई तरीका है, बात तो बताओ का हुए हैं, बहुत गंदा गंदा बात बोल रहे हमने शेर को, हाँ बात तो बताओ। सैंकी यूजीसी नेट का पेपर दिए थे शकुंतला बुआ का बिटुआ है ना, सैंकी वो यूजीसी, अच्छा अच्छा इस वजह से गाली दे रहे हो आप। हाँ तो इसमें मोदी जी का क्या गलती है, वो तो शिक्षा मंत्री का गलती है, वो जो परीक्षा, अब परीक्षा पे चर्चा तो करवाता है पता है हमको, तो गाली मत दो बुआ, हम बोल रहे हैं फोन काटन, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे हूँ। शकुंतला बुआ का जो बिटुआ ना बड़का वाला जो सैंकी, वो एग्जाम दिए थे यूजीसी नेट वाला, वो कैंसिल हो गए, तो पूरे घर में मातम मन रहे हैं और बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे हैं भाई साहब। हमरे कान में से तो भाई साहब खून आ जाता जैसा जैसा बात शकुंतला बुआ हमरे शेर के लिए बोल रहे हैं, वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब, अभी तो इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा बहुत बुरा।